हेलो आप सब लोगों को। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन के ये डिफरेंट यूसेज को दिमाग में रखने के लिए है। हम इनको सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया कि आई वी यू ही शी इट का इस्तेमाल कहां कहां होता है। कुछ चीजें नई आपको मिली होंगी। अब इसमें भी आप समझें, जो नॉमिनेटिव होता है प्रोनाउन, अब ध्यान दो, ये नॉमिनेटिव, इसमें मैंने वन को छोड़ दिया है, वन को मैं अलग से डील करूंगा। जो नॉमिनेटिव है इनको आप किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हो। सो नॉमिनेटिव किसी भी सेंटेंस में किसी फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, फाइनाइट या नॉन फाइनाइट कोई भी वर्ब हो। ठीक है, अगर मैं लिखूं ही बींग एबसेंट, द टीचर dismissed him, expelled him, sorry. From the group. यहां पे तुम्हारा ही इस being का जो participle है बिकॉज ही वॉज एबसेंट, उसका वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। बट मैं उसको बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूं, बट ये रूल तो आप में से सबको पता है, जो सब्जेक्ट की तरह होगा वो आई होगा, वी होगा, यू होगा, ही शी इट और दे होगा। इसमें दो रूल्स को आपको जोड़ना है। पहला, जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, द पुलिस फाउंड the culprit to be dash, अब यहां पर डालना है he, him, who made them the call। ध्यान दीजिएगा, पुलिस के लिए जो पुलिस को प्लुरल माना जाता है, इसलिए उनके लिए दे या देम यूज होता है, लेकिन फिलहाल यहां पे। अब इसमें आपको पढ़ने में थोड़ा सा अटपटापन है, पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको हिम अच्छा लगेगा, बट सही आंसर है ही। समस्या यह है कि अगर तुम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करो, अमेरिकन इंग्लिश की बात करो, वहां पे कोई नहीं है दे इवन डू नॉट लाइक ही, उनको ही पसंद नहीं है, क्योंकि ही इट्स मी अच्छा लगेगा, लेकिन हमारे यहां हमारे एग्जामिनेशंस अभी वो घिसे पिटे रूल पे चले आ रहे हैं, इसीलिए दे से दैट इट इज आई होना चाहिए, नॉट मी। और आप चूंकि परीक्षाओं को दे रहे हो, वंस यू गेट द जॉब, तुम्हारी परीक्षा खत्म हो जाए, पढ़ाई खत्म हो जाए, तुम मी इस्तेमाल करो, एवरीबडी विल लाइक इट। तुम आई इस्तेमाल करो, दे वुड फील अनकंफर्टेबल, अनडाउटेड दे वुड फील अनकंफर्टेबल, कि मतलब कुछ गड़बड़ लग रहा है, इट इज आई बोलने में जरा सो देखो अच्छा लग रहा है। अब रूल ये है, बिकॉज बींग ए स्टूडेंट मैं पढ़ा रहा हूं, कि टू बी का जो फॉर्म होता है ना, इज एम आर वॉज वर बीन बींग और बी, अगर इसके बाद तुरंत आपको प्रोनाउन रखना हो तो वो प्रोनाउन नॉमिनेटिव फॉर्म में होगा, सब्जेक्ट वाले फॉर्म में। ये सब्जेक्ट की तरह यूज होने के अलावे स्पेशल रूल है, और एग्जामिनेशन में इन्हीं रूल्स को टारगेट किया जाता है कि वहां पे सब्जेक्ट का फॉर्म लगेगा। दूसरा,
राम इज नॉट एज फास्ट एज आई और मी. दो, he solves the questions faster than I or me. देख लो यहां पे सब्जेक्ट की तरह आया हुआ है, नॉमिनेटिव तो सब्जेक्ट बना है. दूसरा रूल ये है, फर्स्ट रूल ये हो गया, दूसरा रूल ये है कि जब आपको जब सेंटेंस डिग्री के पॉजिटिव फॉर्म में या कंपैरेटिव फॉर्म में हो और एज और देन के जस्ट बाद आपको प्रोनाउन रखना है तो उसका रूल बहुत क्लियर है और ये रूल वर्ल्ड ओवर एक्सेप्टेड है. ये अगर दुनिया एक्सेप्ट करती हो या नहीं करती हो गड़बड़ है, लेकिन मतलब हमारे यहां ज्यादा कन्वेंशनल रूल में माना जाता है. ये रूल क्लियर है कि अगर आपको नॉमिनेटिव फॉर्म रखना है, आप दोनों रख सकते हो, अगर नॉमिनेटिव रखना है मतलब आई रखना है तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप ऑक्सिलरी वर्ब जरूर लगा देना, और अगर ये नहीं लगाना है तो आप उसके जगह पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म डाल देना. ये रूल काम नहीं करता. पैरेललिज्म एक बड़ा मैं अटपटा रूल सुनता हूं हमारे यहां कंट्री में पैरेलल बनाने का, टेंस में हम लोग बनाते हैं. मैं टेंस पे आऊंगा फिर आपको बताता हूं. पैरेललिज्म नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता लेकिन हमारे यहां बहुत पॉपुलर है. लड़के जब कम्युनिटी पे जवाब देते हैं तो पैरेललिज्म के चलते पास्ट है तो इधर पास्ट होगा, ऐसा कोई रूल नहीं होता, ऐसा कोई रूल नहीं है. लेकिन हाँ हमारे तो अभी वो पैरेललिज्म का अगर रूल लेंगे ना तो राम का कंपैरिजन इससे हो रहा है इसलिए वो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट के फॉर्म में रहती है. रॉन्ग. अगर आपको सब्जेक्ट वाले फॉर्म में डालना है तो ऑक्सिलरी वर्ब डाल लेना, और अगर वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं डालना है तो तुम सब्जेक्ट का फॉर्म भी नहीं डाल सकते भले ही उसका कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है. तो राम इज या तो आई एम और नहीं तो मी, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लो. या तो यहां पे क्या करना होगा, सॉरी, या तो मी और नहीं तो आई डू. ऑक्सिलरी वर्ब वही निकालना होगा ना, सॉल्व्स भी फाइव में से, भी फोर भी वन में से डू डज निकालते हैं ना. तो ये दो रूल आप अपने नॉमिनेटिव में याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के की तरह यूज होता है, उसके अलावे अगर टू बी का फॉर्म आए तो उसके बाद नॉमिनेटिव फॉर्म, और पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में अगर आपको उसके बाद प्रोनाउन रखना है तो सब्जेक्ट के फॉर्म के बाद ऑक्सिलरी वर्ब डालना होगा, और अगर नहीं डालना है तो ऑब्जेक्ट का फॉर्म डालो. ये दोनों तुम्हारा नॉमिनेटिव में ऐड करने वाली चीजें हैं, जानते होंगे आप लोग तो ठीक है. दूसरा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा. अब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो अगर आपको किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट डालना हो, ऑब्जेक्ट तो दो ही चीजों का होता है, या तो वर्ब का या तो प्रीपोजिशन का, तो अगर इनके जस्ट बाद कोई प्रोनाउन रखना है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा. इनके बाद का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा. इसको बहुत ज्यादा इन मी आई सॉ हिम, सॉ के बाद आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म रखा हिम, ठीक है. तो इसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है. अब इसमें मैं थोड़ा सा अटपटा जाके मैं रिफ्लेक्सिव को पहले डील कर लेता हूं. अब इसके बाद में आप जरा ध्यान देना कंसेप्ट वाइज कि हमारे को क्या गड़बड़ होता है कि आपका ये प्रोनाउन है आपने सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि प्रोनाउन तो वही फंक्शन करेगा ना जो नाउन फंक्शन करता है.
हाँ, ये जो नाउन प्रोनाउन है ये नाउन में नहीं आता, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि प्रोनाउन का बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जो नाउन के फंक्शन की तरह ही फंक्शन करे। ये प्रोनाउन की तरह अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो इसको आप समझिएगा, क्योंकि जब तक प्रोनाउन का कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं आए और उस प्रोनाउन को नाउन से नहीं जोड़ लो, तब तक ये क्लियर नहीं हो गए, तुम्हारे सर पे रूल बैठा रहेगा, तुम्हारे सर पे रूल बैठा रहेगा। हम लोग टीचर्स लोग हमारे रूल पे रूल लिखवाते चलेंगे आपको, जबकि अगर इसको नाउन की तरह देख लो तो आपका जब नाउन सब्जेक्ट बनता है वैसे ही अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है तो ये, अगर नाउन ऑब्जेक्ट बनता है तो जब ये नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये, और जब आप नाउन में एपोस्ट्रॉफी लगाते हो तो ये वाला फॉर्म, राम्स हाउस इज इक्वल टू माई हाउस हिज हाउस, ये नाउन का आप तीन यूज इस्तेमाल जानते हो। अब जरा सोचना कि ये तो तुम्हारा जैसे नाउन का एपोस्ट्रॉफी है वैसे ही तुम्हारा ये प्रोनाउन हो गया, तो जहां भी नाउन में एपोस्ट्रॉफी लगा के लिखा जाता है अगर उसको हटा के प्रोनाउन डालना है तो ये आ जाएगा। लेकिन ये और ये तो प्रोनाउन तो है ना, और प्रोनाउन का फंक्शन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह होता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि इसका फंक्शन भी आपको अगर प्रोनाउन नाउन के फंक्शन की तरह नहीं करो तो ये तुमको लगेगा कि एक्स्ट्रा रूल रटना पड़ेगा जो रटना नहीं है। अब आप अगर ध्यान दो, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, रिफ्लेक्सिव वैसे ही है जैसे मी है, जैसे माई है, सॉरी मी है, यू है, अस है, वैसे ही तुम्हारा ये रिफ्लेक्सिव है, बस अंतर ये है, और चूंकि ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद आएगा, तो तुम्हारा रिफ्लेक्सिव भी इन्हीं के बाद आता है। अब ऑब्जेक्ट का एक कंसेप्ट है कि जब डूअर सब्जेक्ट नहीं डूअर, उसने कोई काम किया उसका कोई इफेक्ट क्रिएट होता है, और वो इफेक्ट जिसके जिसके बेस पे पूरा होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब वो जो वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है वो और कोई नहीं है, वो खुद सब्जेक्ट ही है, वो और कोई नहीं है, सब्जेक्ट ही खुद है, तो वहां आपको कोई और ऑब्जेक्ट नहीं डालेंगे। जैसे ही रिगार्ड्स मी इंटेलिजेंट, वो मुझे इंटेलिजेंट मानता है, ये आदमी मानता है और किसी और को, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर वो खुद अपने आप को माने यहां पे और दूसरा कोई नहीं है तो आप यहां हिमसेल्फ लगाते हो, आई फाइंड A lot of problems अब जरा सोचो,
He is making improvements in him या himself. सोचिएगा, क्योंकि प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट रूप में डालना है. अगर ऑब्जेक्ट अगर आप देखते हो तो ये ऑब्जेक्ट अगर आपने मी डाला तो वो ग्रामेटिकली सही है, बट जो ऑब्जेक्ट है वो वही है ना जो पीछे का सब्जेक्ट है. इंग्लिशमैन क्या करेंगे कि इसको वो टॉयलेट कर लेते हैं, टॉयलेट कर लेते हैं, चलेगा. लेकिन हमारे यहां वो ध्यान रखेगा कि अगर सब्जेक्ट खुद किसी वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाए, सब्जेक्ट खुद, तो आपको ठीक है, आपको उसके जगह पे रिफ्लेक्सिव लगाना होगा. अब इस रूल को एक और जगह पे, जैसे आपका जो रिफ्लेक्सिव होता है ना माई सेल्फ, मैं एक एग्जांपल लेता हूं हिमसेल्फ, इसको एक और हम लोग इंफैटिक प्रोनाउन बोलते हैं. इंफैटिक प्रोनाउन, ये फॉर्म सेम है लेकिन यूज अलग है. और ये क्या करता है कि आपके उस नाउन या प्रोनाउन पे थोड़ा जोर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. देखिए, इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे इंफैटिक स्ट्रक्चर्स हैं जिसपे, जिसका कोई अपना हिंदी नहीं होता, बस वो उस पर्टिकुलर चीज पे जोर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे आज एक छोटे से बिजनेस को स्टार्ट करने में कम से कम 10 लाख रुपया चाहिए. अब अगर मैंने बोला तो मैंने बोला 10 लाख रुपया चाहिए, एक नॉर्मल स्टेटमेंट. लेकिन अगर मैंने बोला 10 लाख रुपया चाहिए, मैंने जो डाला तो वो रिटर्न में भी दिखना चाहिए. तो उसका ये जो इम्फेसाइज किया जा रहा है, उसके लिए हर अलग अलग चीज का अलग अलग ग्रामर होता है. अब वहां पे 10 लाख रुपया के लिए एज मच एज होता है. टुडे वी नीड एज मच एज 10 लाख रुपीज फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस. और उस एज मच एज का कोई मीनिंग नहीं है और ना ही वो पॉजिटिव डिग्री में है. वैसे ही अगर मैं बोलूं कि मैंने खुद तुमको कहा था, तो इसका रूल ये है कि जब आपको किसी नाउन या प्रोनाउन पे जोर डालना है तो उसके जस्ट बाद आप रिफ्लेक्सिव लगा दो. लेकिन वो उसका नाम रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, उसको इम्फैटिक बोलेंगे. स्ट्रक्चर वाइज मैं यूज कर रहा हूं कि रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. ठीक है, ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव का दोनों यूज है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में और एक इंफेसाइज करने के लिए. इसको एक अलग से ग्रुप बना दिया जाता है, बट अब आप ध्यान रखिएगा रिफ्लेक्सिव का दो यूज हो गया. अब आप पजेसिव के पार्ट पे आओ, ध्यान देना. आपका ये और ये दोनों का मीनिंग सेम है, आप ये ध्यान रखना. माई और माइन का मीनिंग सेम है, मेरा ही होता है, बस अंतर ये है कि ये नाउन के एपोस्ट्रॉफी का और प्लस का ये शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, और नाउन का जब एपोस्ट्रॉफी लगता है तो अच्छा, अब उसको मैं बाद में बात करता हूं. नाउन के एपोस्ट्रॉफी का शॉर्ट फॉर्म है और ये एक प्रोनाउन है. अब जरा आप ध्यान देना, दिस इज माई बुक. अब इसको समझो, ये समझने की चीज है छोटी सी. एक आध रूल होगा वो मैं अभी डिस्कस कर देता हूं. यहां पे मैं नाउन रखूं तो हम तो ऐसे लिखेंगे ना, दिस इज राम्स बुक. ठीक है, ले. और यहां पे ये इस नाउन के पहले आया है तो आपको एडजेक्टिव का कंसेप्ट याद होगा कि ये डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर है. सो ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन नहीं है ये, प्रोनाउन ये इस मामले में है
कि अगर ये हिम होगा, सॉरी हिज होगा, हर होगा, इट्स होगा और देयर होगा, तो वो किसी नाउन के अनुसार चेंज होगा, उसी मामले में ये प्रोनाउन है, बाकी ये फंक्शन में एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूं, दिस इज अ बुक ऑफ राम, तो आप यहां पे राम को देखो इस, अच्छा ऑफ तो एक तो पजेसी बताता है, हम जहां भी नाउन का एपोस्ट्रोफी लगाते हैं राम्स हाउस, तो हाउस ऑफ राम तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप सही से देखो तो इस ऑफ के बाद, तो ये इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है, इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आपका अगर ये दिस इज अ बुक ऑफ माइन अगर आप लिखते हो, तो यहां पे माइन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, पजेसिव मीनिंग देगा क्योंकि वो माई का इक्विवेलेंट है। अब आपको एक आप कंसेप्ट वही देख लीजिएगा कि ऑफ के बाद आपका, तो अभी क्वेश्चन ये उठेगा कि आपके दिमाग में बात आ सकती है कि जब प्रोनाउन जब ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो मी क्यों नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है प्रोनाउन का, तो आपको मी रखना चाहिए था। हर प्रोनाउन के बाद, सॉरी हर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का फॉर्म आता है, एक्सेप्शन ऑफ पजेसिव वाला ऑफ, जिसके बाद तुम्हारा पजेसिव का प्रोनाउन आता है, पजेसिव के प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं आप ऑफ के बाद। अगर यहां इन होता तो मी होता, लेकिन ऑफ है तो माइन हो जाएगा, क्योंकि ऑफ भी तो पजेसिव ही है ना, ठीक है। अब आप इसको अगर आप सोचो, अगर आप सोचो कि अगर आपने इस्तेमाल किया राम्स हाउस इज बिग, आई लाइक राम्स हाउस, तो आप ध्यान दो कि यहां पे इज का सब्जेक्ट हाउस है, यहां पे लाइक का ऑब्जेक्ट हाउस है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये खाली मतलब वो किसका है, किसी नाउन से रिलेशन जोड़ रहा है, वो घर किसका है। तो आपका जो माई आवर योर हिज हर इट्स ये जब लगता है ना, तो एक चीज क्लियर है कि इसके बाद नाउन तो आना ही चाहिए, और सेंटेंस के अनुसार जो रोल प्ले करेगा वो ये नाउन प्ले करेगा। जैसे राम का कोई वैल्यू नहीं है, ग्रामर वाइज इस सेंटेंस में राम का तुम देखो तो कुछ नहीं है, वो खाली एक नाउन से संबंध बताने के लिए यूज किया गया है। वैसे ही माई आवर योर का कोई वैल्यू नहीं होता, उसके बाद एक नाउन का आना जरूरी है, क्योंकि वो डिटरमाइनर है, जैसे आर्टिकल होता है, हर आर्टिकल के बाद एक नाउन आएगा, वैसे ही इसके बाद भी एक नाउन का आना जरूरी है। ऑन द अदर हैंड अगर आपने पजेसिव प्रोनाउन रखा, पजेसिव प्रोनाउन दैट इज माइन, आवर्स, योर्स, इट्स का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता, तो ये प्रोनाउन है जो माई आवर योर का मीनिंग देंगे, लेकिन ये प्रोनाउन है वो डिटरमाइनर नहीं है, तो इनका अपना कोई ना कोई रोल तो होगा, या तो सब्जेक्ट के रूप में, नहीं तो ऑब्जेक्ट के रूप में, ये कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है। आई लाइक योर हाउस एंड यू लाइक माइन,
अब हमको यहां पे या तो माई हाउस लिखना था और हाउस को सेंटेंस में दो बार रिपीट नहीं करना है, तो अगर मैंने हाउस हटाया तो माई भी हटेगा। ये माई वैसे ही है जैसे कोई आर्टिकल होता है, हम ए लिख के द लिख के छोड़ते नहीं है, उसके बाद नाउन डालते हैं, तो नाउन हटेगा तो ये भी हटेगा और इसी मीनिंग का एक प्रोनाउन आएगा और वो प्रोनाउन है माइन। सो आप ये ध्यान रखना कि माइन को भी जब यूज करोगे तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हां, एक कंडीशन में इस पजेसिव प्रोनाउन को अटपटे स्ट्रक्चर में डाला जाता है। कब? जब आपका जब आप लिखो पजेसिव डिटरमाइनर, मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं वो ऐसे नहीं समझ आएगा, उसके बाद टू बी का फॉर्म डालो, टू बी मतलब इज एम आर वॉज वेयर, और उसके बाद एडजेक्टिव डालो, ठीक है। इसको आप एक और तरीके से लिखते हो, ये टू बी का फॉर्म फाइनाइट वर्ब इज एम आर वॉज वेयर, मैं उसको बेटर करता हूं कि मैं इसको दो वर्ब लगा देता हूं इज वॉज। जैसे आवर कंट्री इज डेमोक्रेटिक, इसको लिखने का एक और तरीका है कि आप शुरुआत में रखो पजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद डालो इज वाज और तब रखो सब्जेक्ट, पजेसिव डिटरमाइनर प्लस सब्जेक्ट डालेंगे। सॉरी, मैं इस सेंटेंस को लिख सकता हूं आवर्स, अब ये प्रोनाउन हो गया, इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। मैं उसको और थोड़ा सा एडजेक्टिव प्लस नाउन रादर सब्जेक्ट, ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना पढ़ने में खराब लगेगा। हिज इज न्यू शूज, गलती कॉमन एरर तो हो गया ना, आर होना चाहिए ना। अगर मैं इसको नॉर्मल स्ट्रक्चर में रखूं तो हिज शूज आर न्यू, पजेसिव डिटरमाइनर सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव। मैंने इस डिटरमाइनर को चेंज कर दिया क्योंकि हिज का दोनों फॉर्म सेम होता है, ध्यान दीजिएगा, हिज का डिटरमाइनर वाला फॉर्म भी और ये प्रोनाउन वाला फॉर्म दोनों सेम होता है। तो मैंने लिखा यहां पे, जब मैंने किया तो ये प्रोनाउन हो गया, उसके बाद आएगा वर्ब, इसको इन्वर्सन कहा जाता है, इन्वर्सन में इसको इस्तेमाल करते हैं, और तब मैंने एडजेक्टिव रखा और उसके बाद मैंने नाउन डाल दिया। सो आप ये ध्यान रखो कि आपका पजेसिव का जो पार्ट है उसमें जो डिटरमाइनर है वो राम्स का इक्विवेलेंट है और जो प्रोनाउन है वो उसी राम्स का इक्विवेलेंट है, बट वो या तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं तो ऑब्जेक्ट बनेगा, खुद वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा, इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब अगर आप सोचो तो आपके अब आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए प्रोनाउन की, ये तुम्हारे प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन के अपने रूल्स थे,
अब इन रूल्स को अपने दिमाग में रख के प्रोनाउन के सेक्शंस के क्वेश्चंस आप बनाएं, और ध्यान रखिएगा प्रोनाउन अपने नाउन के बदले में अगर नॉर्मल इस्तेमाल होता है तो ही शी इट और दे। अगर उसका कोई भी फॉर्म आया, मैं आपको एक एग्जांपल, एग्जांपल नहीं, मैं आपको आगाह कर दूं कि आपका इसमें से ये चारों में से कोई भी एक फॉर्म अगर आ रहा है तो आप क्लियरली वो किसके लिए इस्तेमाल है, क्योंकि जब आएगा ना तो वो किसी ना किसी नाउन के लिए आया हुआ है, उस नाउन को एस्टैब्लिश करके उसके अनुसार ये प्रोनाउन प्रॉपर है कि नहीं है ये आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यही प्रोनाउन किसी नाउन के बदले में इस्तेमाल होते हैं। अगर इतने आपने चीजों को दिमाग में रखा तो आपका पर्सनल प्रोनाउन नाउ फिनिश्ड, यू कैन थिंक सो। किसी और चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सपोर्ट।